ये है बहरीन, दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज जैसे कि यूएई, कतर और सऊदी अरब में घिरा हुआ एक बहुत ही छोटा सा कंट्री। बहुत कम लोग जानते हैं कि बहरीन एक्चुअली में है कहाँ, और उसकी वजह इसका ये छोटा साइज है। ये जो सारा रीजन है इसे पर्शियन गल्फ कहते हैं। पर्शियन गल्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि इस रीजन में मौजूद कंट्रीज के पास पूरी दुनिया के 50% ऑयल और 40% नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ वाले कंट्रीज से आती है, और यही वजह है कि सारी दुनिया की सुपर पावर्स का हमेशा से ही इस रीजन में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस कंट्री के पड़ोसी यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे अमीर कंट्रीज हों, वो खुद भी बहुत अमीर होगा। मगर ऐसा नहीं है। गो के बहरीन पूरे अरेबियन गल्फ में वो पहला कंट्री था जिसमें ऑयल डिस्कवर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद बहरीन आज अपने पड़ोसियों से कुछ पीछे है। लेकिन बहुत जल्द ऐसा कुछ होने जा रहा है जो बहरीन को इस पर्शियन गल्फ का सबसे अमीर कंट्री बना सकता है, या फिर हो सकता है कि बहरीन के हालात मजीद खराब हो जाएं। सच ये है कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहरीन कतर या यूएई की तरह इतना अमीर क्यों नहीं है, और ऐसा क्या होने जा रहा है जो या तो बहरीन की तकदीर बदल देगा या फिर उसके लिए बहुत सख्त मुश्किलात पैदा कर सकता है। बहरीन की हिस्ट्री वैसे तो बहुत पुरानी है, मगर आज के बहरीन की असल बुनियाद रखी गई थी 1820 में, जब उस वक्त बहरीन को रूल करने वाले अल खलीफा ट्राइब ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसके अकॉर्डिंग बहरीन ब्रिटेन के सिवाय किसी और कंट्री को अपनी जमीन नहीं देगा। बहरीन किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से ब्रिटेन की मर्जी के बगैर रिलेशनशिप नहीं रखेगा, और बहरीन की इस वफादारी के बदले में ब्रिटेन बहरीन को उसके दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेगा। इस ट्रीटी के बाद बहरीन को वो अमन हासिल हो गया जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। समुन्द्र में जबरदस्त लोकेशन होने की वजह से मनामा का सीपोर्ट चंद सालों में ही पूरे पर्शियन गल्फ पर छा गया। 20वीं सदी के शुरू तक बहरीन बसरा, कुवैत और मस्कत के सीपोर्ट की सारी ट्रैफिक अपने पास खींच चुका था। इंडिया और ईरान से बड़ी तादाद में बिजनेसमैन बहरीन आकर आबाद होना शुरू हो गए थे, और बहुत जल्द बहरीन एक ट्राइबल सोसाइटी से ट्रेडिंग जायंट बन चुका था। जून 1932 में बहरीन में ऑयल के रिजर्व्स डिस्कवर हुए, जिसकी वजह से वो ब्रिटेन की आंख का तारा बन गया, क्योंकि बहरीन पूरे अरेबियन गल्फ में वो पहला कंट्री था जिसमें ऑयल डिस्कवर हुआ था। और फिर 1935 तक बहरीन 25,000 टन ऑयल बैरल्स जापान भेज रहा था। सिर्फ 10 सालों में बहरीन पर्शियन गल्फ में ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन चुका था। बहरीन में लाखों डॉलर्स आ रहे थे और हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे थे। फिर 1971 में जब ब्रिटेन ने सारे गल्फ कंट्रीज के साथ ट्रीटी खत्म की, तो बाकी अरब कंट्रीज की तरह बहरीन भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, और आज बहरीन यूएन की एक रिपोर्टिंग के मुताबिक अरब वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इकोनॉमिक इंडेक्स ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग भी बहरीन पूरे मिडल ईस्ट में वो अकेला कंट्री है जहां पर बिजनेसेस पर सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस हैं। बहरीन मिडल ईस्ट के उन चंद कंट्रीज में शामिल है जिसने कफाला या कफील सिस्टम को बैन किया। जैसे सऊदी अरब और दूसरे कई गल्फ कंट्रीज में आप कफील के बगैर कुछ नहीं कर सकते, बहरीन में आपको किसी कफील की जरूरत नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बहरीन को पूरे गल्फ में सबसे ज्यादा इंग्लिश फ्रेंडली नेशन भी कहा जाता है। लेकिन इतनी फेवरेबल परफॉर्मेंस के बावजूद आखिर क्या वजह है कि बहरीन दुबई, अबू धाबी या कतर की तरह अमीर नहीं? असल में इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बहरीन का सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम। बहरीन की पॉपुलेशन का 52% फॉरेनर्स हैं और सिर्फ 48% बहरीनी नेशनल्स हैं। मगर ऐसी सिचुएशन तो आपको यूएई या कतर में भी नजर आएगी जहां पर सिर्फ 10-20% लोकल पॉपुलेशन है और बाकी 80-90% फॉरेनर्स हैं। तो बहरीन के केस में डिफरेंस क्या है? अब यहीं पर वो सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो बहरीन को बाकी सारे मिडल ईस्ट से यूनिक बनाता है। असल में बहरीन की 70% आबादी शिया मुस्लिम्स हैं, मगर बहरीन को रूल करने वाली अल खलीफा फैमिली सुन्नी मुस्लिम्स हैं। इसी डिवीजन को ईरान ने कई दफा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। जैसे 1969 में ईरान ने यूएन में बहरीन पर अपना क्लेम किया था, मगर तब क्योंकि बहरीन ब्रिटेन का हिस्सा था इसलिए उसे ये क्लेम वापस लेना पड़ा। फिर 2007 में आयतुल्ला खामनाई के एडवाइजर ने ये स्टेटमेंट दी कि ईरान को चाहिए कि बहरीन को अपना प्रोविंस बनाकर ईरान में शामिल कर ले। इस तरह कई दफा ईरान बहरीन से रिलेटेड ऐसी स्टेटमेंट्स दे चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की सिवेरिटी को देखें, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इतने 100 सालों तक एक सुन्नी फैमिली शिया मेजॉरिटी कंट्री पर रूल करे?
देखें, एक चीज हमेशा याद रखें, डिक्टेटरशिप को सक्सेसफुल बनाने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि आप जोर जबरदस्ती करके लोगों से अपनी बात मनवाएं और उन्हें दबा कर रखें, मगर उसमें रेवोल्यूशन और अपराइजिंग का खतरा होता है, जैसे कि लीबिया की एग्जांपल हमारे सामने है। दूसरा तरीका वो है जो गल्फ कंट्रीज फॉलो करते आए हैं, और वो है कि अपनी आवाम को खूब पैसा दो, उनकी जरूरियात पूरी करो और उन्हें इकोनॉमिकली खुश रखो। ऊपर पावर में कौन है उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं होगी। अब बहरेन के सुन्नी रूलर्स ने ये दोनों तरीके यूज किए हैं। बहरेन की गवर्नमेंट अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है। अपने लोगों से मेरा मतलब है बहरेनी नेशनल्स। अगर आप बहरेनी नेशनल हैं तो आपको बहुत आराम से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। सुपरमार्केट से लेकर गाड़ी के पेट्रोल तक हर चीज सब्सिडाइज्ड है। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सेपरेट कोटा है। बहरेन में हर व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री में लोकल्स का कोटा है। सो फॉर एग्जांपल, किसी भी बैंक की 50% वर्कफोर्स बहरेनी जरूर होनी चाहिए। किसी भी कंपनी की मैनेजेरियल पोजीशन पे एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ बहरेनी लाजमी होने चाहिए, और उनकी सैलरी एक खास स्लैब से नीचे नहीं हो सकती। दूसरी तरफ, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसिज्म या प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको टेररिस्ट समझा जाता है। इसकी पनिशमेंट इतनी सख्त है कि या तो आप जेल जाओगे या आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी, या फिर आपकी नेशनैलिटी कैंसिल करके बहरेन से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये कोई हवाई बातें नहीं, बल्कि ऐसा हो भी चुका है। 2012 के बाद से अब तक गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को उकसाने पर 700 बहरेनी नेशनल्स की नेशनैलिटी कैंसिल कर दी गई है। असल में 2021 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई तो बहरेन की शिया पॉपुलेशन भी डेमोक्रेसी डिमांड करते हुए सड़कों पर आ गई और हालात ठीक ठाक खराब हो गए। लेकिन फिर यूएई और सऊदी अरब ने अपनी फोर्सेस बहरेन भेजी और इस सारी मूवमेंट को फुल पावर से क्रश कर दिया गया। इस मूवमेंट में शामिल लोगों को जेल भेजा गया, कई लोगों की बहरेनी नेशनैलिटी वापस ले ली गई और कुछ लोगों को डेथ पेनल्टी दे दी गई। आज की डेट में बहरेन में हर 500 में से एक आदमी पॉलिटिकल प्रिजनर है, और इनमें से मेजॉरिटी शिया मुस्लिम्स हैं। इस सब एक्शन के बाद शिया मुस्लिम्स के अंदर रूलिंग फैमिली के अगेंस्ट बहुत सख्त नफरत पैदा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ इन प्रोटेस्ट का नतीजा देखकर बहुत सारे लोग खामोश होना शुरू हो गए, क्योंकि इन प्रोटेस्ट की कॉस्ट बहुत बड़ी थी। बहरेनी सिटीजनशिप से हाथ धोने का मतलब है कि आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका घर, आपकी गाड़ी, हर चीज वापस हो जाएगी, और आप बहरेन छोड़ते हो तो दोबारा वापस इस कंट्री में एंटर नहीं हो सकते। इसीलिए ये मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता दब तो गई, मगर इसका नुकसान ये हुआ कि बहरेनी सोसाइटी एक पोलराइज्ड सोसाइटी बन चुकी है। ये एक ऐसा लावा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अपने शहरियों को बगैर कोई काम किए पैसे देना उन्हें बिल्कुल पैरालाइज कर रहा है। बहरेन की इकोनॉमी असल में फॉरेनर चलाते हैं, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, फिलिपिनोस, ईरानी और ब्रिटिशर्स शामिल हैं। बहरेन की 75% इनकम ऑयल एक्सपोर्ट से आती है, और इस इनकम पर सबसे बड़ा बोझ है बहरेनी नेशनल्स को दी जाने वाली फैसिलिटीज और सब्सिडीज। और दूसरी ही तरफ पिछले 10 सालों से ऑयल की प्राइस लगातार गिर रही है, जिसकी वजह से बहरेन के रेवेन्यूज भी गिरते जा रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, बहरेन के ऑयल रिजर्व्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। बल्कि बहरेन और ओमान पूरे गल्फ में वो दो कंट्रीज हैं जिनके ऑयल और गैस रिजर्व्स अगले 10 सालों में बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। तो एक तरफ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, दूसरी तरफ आपका एक्सपेंस सेम है, और तीसरी तरफ आपके रेवेन्यू सोर्सेज बहुत जल्द एग्जॉस्ट होने वाले हैं, और चौथी तरफ अगर आपने अपनी सब्सिडीज कम की और इनकम बढ़ाने के लिए टैक्सेस लगाए तो पहले से ही भरी बैठी शिया मुस्लिम पॉपुलेशन फट पड़ेगी। उन्हें इस वक्त एक ही चीज खामोश रखे हुए है, और वो है बहरेनी सिटीजनशिप के बेनिफिट्स। जिस दिन ये बेनिफिट्स कम होना शुरू हो गए, उस दिन बहरेन के रूलर्स के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। बहरेन के लिए इकोनॉमिक फेलियर का मतलब पॉलिटिकल फेलियर होगा। लेकिन इस सब गंगा जल में फंसी बहरेनी सरकार को कुदरत की तरफ से दो बहुत बड़े गिफ्ट मिले हैं। 2018 में बहरेन के पास इस रीजन में 8 बिलियन बैरल्स के शेल ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं, और 4 साल बाद ही 2022 में अल जौबा और अल जौफ के पास नेचुरल गैस के भी दो बहुत बड़े रिजर्वॉयर्स डिस्कवर हुए हैं। इन डिस्कवरीज ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक हलचल मचा दी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज एक्सट्रैक्शन के लिए बहरेन से डील्स करना चाह रही हैं। ये ऑयल और गैस रिजर्व्स इतने ज्यादा हैं कि अगले 40 सालों तक बहरेन इनसे अपनी डोमेस्टिक और एक्सटर्नल नीड पूरी कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि किसी भी ऑयल रिजर्व को एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट सेम नहीं होती, और ये तो है भी शेल ऑयल, मतलब ये समंदर में पत्थरों के काफी नीचे है।
इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की डिफरेंट कॉस्ट होती है। शेल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना नॉर्मल ऑयल से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और अगर बहरेन को इस एक्सट्रैक्शन को प्रॉफिटेबल बनाना है तो उसे ये उम्मीद रखनी होगी कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल बैरल की प्राइस हर सूरत $60 से ऊपर रहे। दूसरा, इन रिजर्व्स को फुली एक्सट्रैक्ट करते हुए भी कुछ साल लग जाएंगे, और उस सारे अरसे में बहरेन को चाहिए कि अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करे, सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट होकर ना रहे, इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए जाएं और लोगों को ये आज़ादी दी जाए कि वो गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज कर सकें ताकि उनमें फ्रस्ट्रेशन बिल्ड ना हो। यूएई और सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता इसी अप्रोच पर आ रहे हैं। इस अप्रोच का एक पॉसिबल बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि बहरेनी पॉपुलेशन, जो कि इतनी फैसिलिटीज और लग्जरी की आदि है, वो ये टैक्सेस और लॉज बर्दाश्त ना कर सकें और रिलीजन कार्ड यूज करते हुए सुन्नी रूलर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर दें। इसीलिए बहरेन इस वक्त मेक और ब्रेक पर खड़ा है। कुछ वाइज डिसीजंस फ्यूचर में उसकी और उसके लोगों की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यही डिसीजंस इन रूलर्स के गले भी पड़ सकते हैं। आप में से जो लोग बहरेन की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जानते हैं, वो नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जिनसे हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।